हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। शुरुआत हो चुकी है एक नए ब्लॉग की। आज मैं आपको लेकर आया हूँ फिशिंग का मार्केट, जहाँ पे सबसे अधिक होता है गुजरात में। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मछली समुद्र से नाव के द्वारा आती है और फिर उसे अनलोड करके उसे मार्केट में ले जाके सेल किया जाता है। यहाँ पे कई सारी मछलियों को आपको दिखाऊंगा, तो कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे समुद्र से मछली अभी नाव के द्वारा तुरंत आ रही है। ये नावें ये नहीं कि अभी गई है, ये बहुत दिन पहले नावें निकल जाती हैं और यहाँ आते आते 6 दिन 7 दिन ऐसे समुद्र में रहती हैं। 6-7 दिन का अपना बैकअप राशन पताई सब लेकर जाते हैं। उसके बाद जब इनको लगता है कि इनकी क्वांटिटी पूरी हो चुकी है, जितना मछली पकड़ना है उतना हो चुका है, उसके बाद ये वापस आते हैं। अभी मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ, ये जो दो बोट आ रही है, एक ये और एक वो, ये दोनों बोट अभी मछली को समुद्र से लेकर आ रही हैं, फिर यहाँ पे लाके इस तरह से देखिए एक वो नाव लग रही है अनलोडिंग के लिए। अभी मछलियों को अनलोड करके मार्केट में इन छोटी छोटी गाड़ियों के माध्यम से भेजा जाएगा। देखिए अनलोडिंग के लिए ये नाव लग रही है सेंटर में, तो दिख रहे हैं लोग वहाँ पे मछली को अनलोड कर रहे थे, उसमें से अनलोड हो चुका है, नई नाव लग चुकी है। फिश का काम करते हैं जो समुद्र में जाते हैं मछलियों को पकड़ के लाते हैं, मैं उनसे भी बात करके आपको दिखाऊंगा, तो कंटिन्यू इस वीडियो में बने। यहाँ पे भी अनलोडिंग का काम चल रहा है। अभी नियर अबाउट 7-8 दिन ये समुद्र में सीप रह के आई है, वहाँ पे अच्छे से फिश ये लोग पकड़े हैं। जब पूरी क्वांटिटी में लगा कि हाँ फिश हो गया है, तो ये लोग वहाँ से वापस आए हैं। तो देखिए कैसे कैसे ये अनलोडिंग हो रहा है। ये झींगा मछली है भाई साहब, झींगा मछली है ये। यहाँ का रेट बता रहे हैं 120 रुपए केजी बिकता है। कौन सी मछली है? माजली, झींगा। ये समुद्र से अभी आया है क्या? अच्छा, इसमें बर्फ डाल के रखते हैं, देख सकते हैं अभी समुद्र से सीप आई हुई है। इसमें पूरी झींगा मछली है देखिए, और ये अनलोड होके अभी जाएगा ये मार्केट में। ये सारे लोग चैन बना के वो गाड़ी है उनमें लोड कर रहे हैं। अभी ये सीप द्वारा ये दिखाता हूँ, और भी इसमें दूसरी क्वालिटी की मछली है। ये कौन सी मछली है? हाँ जी, बुमल। अच्छा अच्छा, देखिए ये अभी इन गाड़ियों में लोड होते जाएगा। कितने बजे लेके जाते हैं ये सीप को, बोट को? हाँ जी, साजे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what. नाम क्या ये बता दीजिए मुझे? सुपत। तो ये बोट कितने बजे यहाँ से लेके जाते हैं आप? टाइम में रहता है। अच्छा अच्छा, खाली होगी बर्फ बर्फ लेके जाएंगे। ओके, तो बर्फ इसमें पहले से रख के आप लेके जाएंगे बर्फ का? अच्छा, और समुद्र में कितना दिन रुकना पड़ता है मछली तो पकड़ने? रहता है, माल पर रहता है। जब माल हो जाएगा आ जाएगा, 7 दिन 8 दिन 12 दिन। और कितने प्रकार की मछली आप लोग पकड़ के लाते हैं? 7-8 प्रकार की। और एक बोट में कितने क्विंटल मछली आ जाती होंगी? वेट कितना होगा लमसम? 6-7 टन। ओके, थैंक यू। हार्ड वर्क है, देखने में बस आसान लग रहा है। 2 हफ्ते तक घर वापस नहीं आते हैं, इसलिए चलते हैं आगे भी दिखाएंगे आपको। ये देखिए, इसे बोलते हैं बरेडा फिश। कितना चौड़ा है ये बरेडा फिश। इसका क्या ये मुंह है क्या? पूंछ है? अच्छा, इस फिश का पूंछ देखिए कितना लंबा है, यहाँ से लेके वहाँ तक। ये जाल में फंसी है। हर एक तरह की 7-8 प्रकार की मछलियाँ फंस के जाल में आती हैं, तो इसलिए आगे भी दिखाता हूँ आपको। मछली देख रहे हैं, ये बिल्कुल छोटी छोटी है, ये चावल के दाने की जैसी है। चावल ही है। इस मछली क्या बोलते हैं सर? जबला। जबला मछली है ये, बिल्कुल देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसे है चावल की तरह है। ये मछली का चावल बोलते हैं इसे, देखिए। बस कितने दिन बाद वापस होके आई है? 5 दिन। 5 दिन ये समुद्र में रह के उसके बाद मछली पकड़ के लाए हैं। आप सभी लोग गए थे? ये सभी लोग गए थे मछली पकड़ने के लिए। 8 आदमी। 10 दिन ही हो जाते, 15 दिन हो जाते। चावल मछली देख रहे हैं आप, ये होता है मुर्गियों के लिए, जो
पोल्ट्री फार्म होते हैं, मुर्गी मुर्गुन में जाती हैं, इसको इंसान नहीं खाते हैं। तो चलिए आगे भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मछली, कौन सी मछली? लॉबस्टर। आपका नाम क्या है? देवा भाई। देवा भाई, देवा भाई बता रहे हैं इस मछली के बारे में। देखिए बिल्कुल जिंदा है भाई, मैं तो नहीं पकड़ूंगा। बाप रे, कितनी खतरनाक लग रही है ये। इनमें अगर हाथ फंस जाएगा तो काट लेगी क्या? ये जहर होता है? जहर नहीं होता है। अच्छा अच्छा, इसको खाया जाता है क्या? खाया जाता है, बहुत महंगा आता है। ये मादा है, मादा है, इंडा, इंडा है। अच्छा, ये मादा है? हाँ, मादा है। कैसे पता मादा है? ये इंडा है ना उसका। अच्छा, अंडा है? हाँ, अंडा है। अच्छा, ये अंडा है, इसमें बच्चा होता है। अच्छा, ये नर है। और ये नर हो गया। इन मछलियों के फायदा, मछलियाँ फायदा क्या करती हैं? देखिए जिंदा है बिल्कुल। बहुत बहुत महंगा आता है। कितने रुपए किलो आता है ये? 1200-1300 रुपए किलो। एक किलो में कितना पीस चढ़ता होगा ये? 900 ग्राम का होता है। अच्छा, 900 ग्राम का एक। तो देख सकते हैं आप, एक मछली का ये अलग ही प्रजाति है भाई साहब। अभी आपको 6-7 तरह की मछलियों के बारे में मैं आपको दिखा चुका हूँ। अच्छा, जो ठंड प्रदेश होते हैं, जो जिन भी देशों में ठंडक ज्यादा होती है वहाँ पे इसको, यानी इस मछली में गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी बहुत ज्यादा। इसको कैसे, पहले ऊपर का उखाड़ते हैं, बनाते कैसे हैं खाने के लिए? सब आके ये बस निकलते हैं, इसमें से माउस निकलता है सब। अच्छा अच्छा, ये उखाड़ देता है। अच्छा। पका के, पकाने के बाद तो देख सकते हैं ये मछली की प्रजाति। जो मुंह पे दिख रहा है इनका, अंडा आगे ही होता है। ये नर है। ये देखिए नर है। ये अपने डंक है क्या इनके, जो वार कर रहे हैं इस तरह? ये डंक है। अच्छा, ये डंक ऐसा करता है ना, तो ऐसा लोग घुसा देता है। अभी तो घुसा है, इसमें घुसा है। अच्छा अच्छा, ये पॉपलेट। 6-7 प्रकार की अलग अलग तरह की मछलियां हैं। देखिए ये निकाले अभी अंदर से। कितना हार्ड वर्क है, कितना मेहनत करते हैं ये लोग। कौन सी मछली है? पापलेट। पापलेट, ये पापलेट है। बुगो। बुगो, ये बुगो मछली है। ये दिखाया मैं पहले आपको। ये कौन सी है? झींगा। टाइगर। कौन सा है? सास्का। सास्का। ये तो केकड़ा। देखिए केकड़ा है। छन्ना भाई है ये इन्हीं की बोट है, इन्हीं पे ये लोग रहते हैं अपना पूरा। जाते हैं जैसे 6-7-8 दिन अगर वहाँ रहना होता है समुद्र में, तो यहीं पे ये लोग रहते हैं। बाहर में नहाना खाना, रसोई, हाँ, और रोटी वोटी बनाने का पीछे सिस्टम है। तो मछलियाँ निकलती हैं जिन्हें बाहर विदेशों में भेजा जाता है। ये वो बुलमा मछली है जो यहाँ पे ही पाई जाती है, अमरेली डिस्ट्रिक्ट जाफराबाद में, गुजरात में। ये इन मछलियों को सुखा के विदेशों में भेजा जाता है। तो देखिए किस तरह से इसको सुखाने की क्या विधि है, कैसे कितने लोग यहाँ पे लगे हैं सुखाने के लिए, देख सकते हैं आप। मछली को गांठ बांधते हैं, उसके बाद सुखाते हैं। तो चलिए लेके चलता हूँ, एक बार आपको नज़दीक से दिखाता हूँ कैसे बांधते हैं। कौन सी मछली है ये? बांधना कैसे इसे है एक बार? हाँ देखिए, एक ऐसे इसको बांधते हैं, फिर ये यहाँ पे इसको डालते हैं सूखने के लिए। ये कितने दिन में सूख जाती है मछली? 3 दिन। फिर इसको बेचने के लिए कहाँ ले जाते हैं, भारत में या बाहर? बाहर। चलिए आगे भी दिखाते हैं। ये देखिए मछली रखी हुई है, ये लोग सारा ये काम कर रहे हैं। लोग कितने बजे आप लोग सुबह आ जाते हैं? 5 बजे आया। सुबह 5 बजे, और कितने वापस जाना है? 1 बजे। 1 बजे वापस चले जाएंगे। खाना पीना आप लोग साथ लेकर आते हैं खाने के लिए? खाना घर पे से लेके आने। सर ये मछलियाँ सूख रही हैं, फिर इन्हें
विदेशों में भेजा जाएगा। ये कितने रुपए केजी यहाँ से जाती हैं? 300 रुपए केजी। 300 रुपए केजी सूखने के बाद इसका वेट होता है तो 300 रुपए केजी के हिसाब से बिकता है। अच्छा, इनके जो फैमिली वाले होते हैं ये बोट में जाते हैं, इनके फैमिली वाले मछली को पकड़ के लाते हैं, उसके बाद ये इनका काम होता है इसको सुखाना। ऐसे बहुत सारे जाल लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। ये कौन सी मछली है तो क्या नाम है इसका? बग्गी। ये जो जीप, ये जीप मछली, इसको भी सुखाया जाएगा? ये सांप जैसा जो दिख रहा है ये कौन सी मछली है? बैन। इनके फैमिली वाले जाते हैं बाहर से, समुद्र से मछली पकड़ के लाते हैं और इनका काम होता है अलग करना सारी मछलियों को, एक एक करके अलग करते हैं, फिर इनको सुखाने के लिए डालते हैं, फिर ये सेल होती है। ये सुखा के फिर ये बाहर भेजी जाती है। ये वो मछलियाँ हैं जिनको आप नहीं देखे होंगे कभी, हमारे साथ अभी ये देख रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाया वहाँ पे कि किस तरह मछलियों को सुखाया जाता है और सूखी मछलियाँ कैसे हो जाती हैं, उसके बाद सिकुड़ के वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल मछली सूख चुकी हैं, ये आपको दिखा दूँ, ये बिल्कुल हार्ड हो चुका है, बिल्कुल हार्ड है, ये बिल्कुल सूख चुकी हैं मछलियाँ। ये आपको देखने के लिए ऐसी मिलेंगी, ये ऐसे पूरा भर जाता है जैसे कपड़े सुखाए जा रहे हों छोटे छोटे, वैसे इन मछलियों को सुखा के बाहर भेजा जाता है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखिए।